कावेरी जी, ये क्या है, क्या है ये? आप अपने पोस्ट से क्यों रिजाइन करना चाहती हैं? प्रताप जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखिए, आप जिस पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट पर पहुंचने के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं, और अगर आपने इस पोस्ट से रिजाइन किया तो शायद दोबारा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लग जाए। प्रताप जी, ये पोस्ट तो मुझे फिर भी मिल जाएगी, लेकिन आज अगर मैंने प्रतीक को खो दिया तो कावेरी जी, मेरे रहते अगर आपको इतनी छोटी सी बात की चिंता करनी पड़ी तो मेरे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे रहते प्रतीक का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, एनीबॉडी, अग्रवाल, दयाशंकर, कोई भी। और अगर मेरे वार्निंग के बाद दयाशंकर प्रतीक के पास तक भी पहुंचा तो मैं उसे अरेस्ट करवा दूंगा। दिस इज अ प्रॉमिस, जस्ट ट्रस्ट मी। सर, आपसे मिलने अविनाश जी आए। उनको अंदर भेजो। जी सर। अविनाश यहाँ क्या कर रहा है? सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने अविनाश को भी बुलाया था, कुछ काम था। आइए आइए अविनाश जी, आइए। नमस्ते प्रताप जी। नमस्कार, आइए। अरे भाभी, आप यहाँ? हाँ, कुछ काम था। बैठिए ना, प्लीज बैठिए। अविनाश जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको जल्दी में इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी थी। गुड न्यूज? मेरे ऑफिस में टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक बहुत बड़े ऑफिसर आए थे, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, लेकिन उन्हें जल्दी जाना पड़ा। अविनाश जी, लगता है आपकी तकदीर आपका साथ दे रही है। वो जो होटल के लिए आपने बिडिंग की थी, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 4 होटल्स अप्रूव कर दिए हैं, और मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो चारों होटल आप ही को सेल की जाएंगे। कंग्रेचुलेशन अविनाश, तुम्हारे चेनों होटल बनाने का सपना अब पूरा हो जाएगा। थैंक यू प्रताप जी। क्या बात है अविनाश जी, ये खबर सुन के आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं प्रताप जी, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली प्रताप जी, अब तक मैं होटल्स खरीदने के बारे में डिसीजन ले नहीं पाया हूं, बट आई नो आई विल नीड सम मोर टाइम। समझ गया, आपको यही चिंता हो रही है ना कि फाइनेंस का अरेंजमेंट कहां से होगा। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, फाइनेंस का अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन लेकिन प्रताप जी। अविनाश, प्रताप जी ने कह दिया तो हो जाएगा।